हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता पवन कल्याण, यानी कि पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी कितनी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे हिट रही, कितनी फ्लॉप रही। तो आपको बता दूं कि पवन कल्याण एक इंडियन एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं। पवन कल्याण का असली नाम कौंडला कल्याण बाबू है। ये पहले स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके हैं, पॉलिटिशियन भी है और ज़्यादातर इन्होंने तेलुगु फिल्मों में ही काम बस किया है। चिरंजीवी के छोटे भाई हैं पवन कल्याण। इन्होंने 1996 में फिल्मों से शुरुआत की थी, तब से इनके फैंस इनको पावर स्टार बोलते हैं, पावर स्टार पवन कल्याण। तो गाइस, पवन कल्याण के करियर के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन कल्याण ने कम फिल्मों में काम किया है। ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स की वजह से फिल्में कम करते थे। हैदराबाद के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। पहले इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, फिर बाद में इनको जब लगा कि बहुत सारा करप्शन हो रहा है तो इन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। इनके बड़े भाई चिरंजीवी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, इसलिए पवन कल्याण कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। बाद में फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी ही खुद की पार्टी बनाई, जिसे जनसेना पार्टी का नाम दिया गया 2019 में। अब ये पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 2024 के इलेक्शन लड़ने वाली है। इनकी फिल्मोग्राफी की बात की जाए, कितनी फिल्मों में काम किया है पवन कल्याण ने, कितनी फिल्में इनकी हिट रही हैं, तो आपको बता दूं, इन्होंने 1996 में आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक का तेलुगु रीमेक बनाया था, जिसका नाम दिया गया था अकाड़ा अमाई इकड़ा अवाई। 1996 में ये फिल्म आई थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस टाइम पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी 1997 में, गोकलामो सीता। इस फिल्म में इनका नाम पवन कल्याण ही था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। इसके बाद फिर पवन कल्याण की तीसरी फिल्म आई थी सुस्वा गाथम 1997 में, 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ। फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई करी थी। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया था, यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद इनकी चौथी फिल्म आई थी थोली प्रीमा 1998 में, ड्रामा रोमांस था, 8.4 की IMDb रेटिंग इसको मिली थी, 8.5 करोड़ की उस टाइम पर इसने कमाई करी थी, इसको भी ब्लॉकबस्टर करार दिया गया, यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद इनकी फिर पांचवी फिल्म आई थी थमड़ू 1999 में, जो कि जो जीता वही सिकंदर फिल्म से इंस्पायर थी। 9.25 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये भी फिल्म ब्लॉकबस्टर यानी कि सुपर डुपर हिट। इसके बाद इनकी फिर छठवीं फिल्म आई थी बदरी 2000 में, 11.75 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी और ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी सातवीं फिल्म आई थी खुशी 2001 में, ड्रामा रोमांस था, 21.25 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर यानी कि सुपर डुपर हिट। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा स्टारडम था, लगातार सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में देते थे पवन कल्याण सर अपने टाइम पे। फिर इनकी आठवीं फिल्म आई थी जॉनी 2003 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 5.5 की IMDb रेटिंग मिली थी। 2003 में ये फिल्म आई थी, 8.5 करोड़ की कमाई करी थी और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी नौवीं फिल्म आई थी हुडम्बा शंकर 2004 में, एक्शन कॉमेडी ड्रामा था, 11 करोड़ की कमाई करी थी, ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी 10वीं फिल्म आई थी बालू 2005 में, एक्शन क्राइम फिल्म थी, 13.5 करोड़ की कमाई करी थी, फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई। इसके बाद इनकी 11वीं फिल्म आई थी बंगाराम 2006 में, एक्शन ड्रामा फिल्म थी, 14.80 करोड़ की कमाई करी थी, ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी 12वीं फिल्म आई थी अन्नावरम 2006 में, 4.9 की IMDb रेटिंग के साथ, 16.90 करोड़ की कमाई करी थी, ये फिल्म एवरेज रही। फिर इसके बाद इनकी 13वीं फिल्म आई थी 2008 में जलसा, 29.10 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी फिर 14वीं फिल्म आई थी कोमा राम पुल्ली 2010 में, 19.60 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये फिल्म डिजास्टर रही। फिर इनकी 15वीं फिल्म आई थी 3 मार 2011 में, कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, 5.6 की IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। ये फिल्म लव आजकल का रीमेक थी, जो कि सैफ अली खान की फिल्म आई थी उसका रीमेक थी। 17.20 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये फिल्म डिजास्टर रही, यानी कि सुपर डुपर फ्लॉप। फिर इनकी 16वीं फिल्म आई थी पंजा 2011 में, एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी 2011 में, 18.50 करोड़ की कमाई करी थी, फिल्म फ्लॉप रही। फिर इनकी आई थी 17वीं फिल्म गब्बर सिंह 2012 में, एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म थी, ये फिल्म दबंग फिल्म का तेलुगु रीमेक था, 60.10 करोड़ की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद फिल्म की 18वीं फिल्म आई थी कैमरामैन गंगथो गंबाबू 2012 में, एक्शन ड्रामा ड्राइंग फिल्म थी,
फिल्म ने 34 करोड़ 90 लाख की कमाई करी थी, फिल्म बिलो एवरेज रही। इसके बाद इनकी 19वीं फिल्म आई थी 2013 में, अंतरिन तिक्की दरेदी 2013 में, एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। 75 करोड़ 40 लाख की इस मूवी ने कमाई करी थी। फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट दिया गया था, इंडस्ट्री हिट रही ये फिल्म। ये इनकी 19वीं फिल्म थी जो कि 2013 में आई थी। इसके बाद इनकी फिर 2015 में फिल्म आई थी, एक साल का गैप लिया था पॉलिटिकल करियर की वजह से। फिर इनकी 20वीं फिल्म आई थी गोपाला गोपाला 2015 में, जो कि ओ माय गॉड फिल्म का तेलुगु रीमेक था। 41 करोड़ 20 लाख की इसने कमाई करी थी, ये फिल्म अबव एवरेज रही। इसके बाद इनकी फिर 21वीं फिल्म आई थी सरदार गब्बर सिंह 2016 में, 53 करोड़ 70 लाख की इस मूवी ने कमाई करी थी, फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद फिर इनकी 22वीं फिल्म आई थी खतमारा युडू 2017 में, एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, 5.5 के IMDb रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी। फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था। ये फिल्म तेलुगु फिल्म वीरम का रीमेक था, जिसका अभी सलमान खान किसी का भाई किसी की जान फिल्म लेके आ रहे हैं, उसी की तरह ये भी सेम स्टोरी वाली फिल्म थी। फिल्म की 23वीं फिल्म आई थी अगनाथा वासी प्रिंस इन एक्साइल, 4.3 के IMDb रेटिंग के साथ ये फिल्म डिजास्टर रही। फिल्म की 24वीं फिल्म आई थी वकील साहब 2021 में, 86 करोड़ 10 लाख की इस मूवी ने कमाई करी थी, ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई। इसके बाद फिर इनकी फिर फिल्म आई है भीमला नायक 2022 में, 6.3 के IMDb रेटिंग के साथ फिल्म ने 96 करोड़ 80 लाख की कमाई करी थी, फिल्म को अब एवरेज करार दिया गया। तो ये है हमारे सारी फिल्में पवन कल्याण सर की जो कि रिलीज हुई हैं। इन्होंने अभी तक अपने करियर में 25 फिल्मों में काम किया, और भी इनकी आने वाली 4 फिल्में हैं, जैसे कि हरिहरा वीरा मल्लू जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी। इसके अलावा उस्ताद भगत सिंह करके एक फिल्म आनी है जो कि थेरी फिल्म का रीमेक है। तो ये था पवन कल्याण सर का करियर। कम फिल्में की हैं, ब्लॉकबास्टर फिल्में ज़्यादा दी हैं, कुछ कुछ फिल्में फ्लॉप और डिजास्टर भी हुई हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो।